तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लेन चॉकलेट्स के कॉस्ट कैसे निकालने हैं और प्लेन चॉकलेट डिफरेंट टाइप के कैसे बनाने हैं और उसके जो स्वेटिंग प्रॉब्लम आती है वो कैसे सॉल्व करना है और कैसे कस्टमाइज चॉकलेट्स बना के आप अर्निंग कर सकते हो। तो मार्केट में इस तरह के हैप्पी बर्थडे वाले मोल्ड आते हैं, तो हैप्पी बर्थडे रिटर्न, हैप्पी एनिवर्सरी, ये सब चलते रहते हैं। तो लाइक हैप्पी मतलब बर्थडे और एनिवर्सरी तो किसी न किसी का आता ही रहता है आपके नेबर्स में या फिर आपके लोकल एरियाज़ में या फिर आपके जानने में, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। लाइक हैप्पी बर्थडे रिटर्न रहता है ये मोल्ड में, तो ऑलरेडी आपको बस चॉकलेट बनाना है और उसको थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह कर देना है और कस्टमाइज नेम भी आप बैक साइड में लगा सकते हैं। तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए मोस्टली लोग ये ऑर्डर करते रहते हैं। तो आपको ये कुछ मोल्ड्स हैं जो आपको मस्ट रखने चाहिए अपने पास, लाइक हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी एनिवर्सरी हो गया और कुछ आई लव यू रिटर्न वाले मोल्ड्स भी आते हैं, तो वो वाले भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये सब कॉमन होते हैं, गिफ्टिंग पर्पस के लिए कोई ना कोई ऑर्डर करता रहता है। तो यहाँ पे मैंने मिल्क कंपाउंड को मेल्ट कर लिया था और इस मोल्ड में डाल दिया है पाइपिंग बैग में डाल के। आप चाहिए तो स्पून से भी डाल सकते हैं। तो अगर ढेर सारी चॉकलेट्स बनाने हैं, मुझे एक्चुअली प्लेन छोटे वाले ढेर सारे बनाने हैं, तो पाइपिंग बैग से ईजी होता है, वेस्टेज कम होता है। स्पून से एक एक मोल्ड में डालना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने लेटर पहले से रेडी करके रख लिए थे। लेटर वाले चॉकलेट्स कैसे बनाने, ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो। तो लेटर वाले भी ऐसे मोल्ड आते हैं, मैंने दिखाए थे उस वीडियो में, तो उसमें से जो लेटर हमें चाहिए होते हैं वो हम बना लेते हैं पहले से ही। तो मुझे दक्ष नाम की चॉकलेट बनानी थी, तो DAKSH मैंने लेटर्स पहले से बना के रख लिए थे। तो ये स्क्वायर शेप में लेटर्स होते हैं, स्क्वायर शेप होता है बैकग्राउंड में और उसके ऊपर लेटर लिखे होते हैं। तो अभी आपको लेटर्स अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे होंगे, मैं बाद में इसमें गोल्डन डस्ट से डेकोरेट करूँगी फिर ही आपको विजिबल होंगे। एक्चुअली वाइट कलर में है तो इसलिए लाइट की वजह से विजिबल नहीं हो पाते। तो धीरे धीरे से लेटर को रखना है इसके ऊपर। अब मैं जब भी मोल्ड में चॉकलेट डालेंगे मिल्क कंपाउंड, तो चॉकलेट्स को ज़्यादा ओवर तक ओवरफिल नहीं करना है, ताकि हम जब ये लेटर्स वगैरह लगाएं तो चॉकलेट बाहर ना आए। फिर मेरे पास ये डेकोरेट के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फ्लावर्स पड़े होते हैं। जब भी मेरे पास कलर वाले चॉकलेट बनाती हूँ मैं, जो लास्ट के बचे हुए चॉकलेट्स होते हैं, मैं उनके फ्लावर्स बना के रख लेती हूँ, ताकि किसी भी चॉकलेट में, ट्रफल्स में, किसी भी चीज़ में आप डेकोरेट कर सकते हैं इन फ्लावर्स को, या केक्सिकल्स में। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं, इनको आप एयर टाइट कंटेनर में रख के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फिर मैंने ऊपर से बच्चे के लिए चॉकलेट बनानी थी ये, तो फिर मैंने ऊपर से मल्टी कलर के स्प्रिंकलर्स आते हैं वो मेरे पास अवेलेबल थे, तो वो मैंने डाल दिए। आप अपने पसंद के कोई भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो देखा उस सेम आपको बनाना है। तो आप गोल्डन बॉल्स आते हैं, सिल्वर बॉल्स आते हैं, तो किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। मेन है आपको मतलब कलर देखना है। तो ये मिल्क चॉकलेट है, तो मिल्क कंपाउंड में आप कोई भी कलर डालेंगे अच्छा लगता है। अगर वाइट कंपाउंड या कोई कलरफुल चॉकलेट आप बना रहे हो या कोई फ्लेवर वाला चॉकलेट बना रहे हो, तो उसमें इसके कलर के अकॉर्डिंग आप गोल्डन बॉल्स या सिल्वर बॉल्स यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं। तो छोटे वाले यूज़ करना ज़्यादा, बड़े वाले अच्छे नहीं लगेंगे, बिकॉज़ चॉकलेट में वो क्रंची ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही मैंने डेकोरेट कर दिया इसको, हल्का सा टैप करना है, बहुत ज़्यादा हम टैप नहीं करेंगे, बिकॉज फिर स्प्रिंकलर्स एंड ऑल अंदर चले जाएंगे। तो जब चॉकलेट हमारी मेल्टेड हो तभी हमें फटाफट से लेटर्स और जो भी हमें डेकोरेट करना है वो उसके ऊपर लगा देंगे फटाफट से, जो भी आपको लगाना है अपने पसंद से या फिर लाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो ये वाले लेटर मोल्ड्स हैं जो मैंने जिससे लेटर के लिए यूज़ किया था। तो ये विदाउट स्क्वायर भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे लगेंगे। तो मुझे स्क्वायर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो आप अपने पसंद से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेम वाली चॉकलेट लोगों को बहुत पसंद आती है, एक साइड हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था और एक साइड आप नेम लगा सकते हैं। फिर मुझे स्मॉल चॉकलेट्स बनाना था इसके साथ ही। एक मेरे नेबर ने ऑर्डर किया था किसी को गिफ्ट देने के लिए अपने नीस को, तो उनको एक बॉक्स स्मॉल चॉकलेट्स का चाहिए था और एक हैप्पी बर्थडे वाला चॉकलेट चाहिए था। तो मैं लास्ट में आपको कॉस्टिंग भी बताऊँगी कि मैंने उनको क्या चार्ज किया था और कैसे मैंने कॉस्टिंग कैलकुलेट की है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो जब भी मुझे स्मॉल बॉक्स ऑफ चॉकलेट बनाना होता है, तो मेरे पास 5-6 सिलिकॉन मोल्ड्स हैं अलग अलग डिज़ाइन के। तो मैं सारे में मतलब मल्टी, बिकॉज बच्चों को डिफरेंट डिज़ाइंस की चॉकलेट अच्छी लगती है, किसी को हार्ट, किसी को राउंड एंड फ्लावर वाली। तो मैं डिफरेंट डिज़ाइंस बना देती हूँ ताकि वो मल्टी डिज़ाइन चॉकलेट्स उनको अच्छी लगे, वो चूज़ करके खा सकते हैं, तो उनको मज़ा आता है। तो इसके लिए मैं हमेशा स्मॉल चॉकलेट जब भी बनाना होता है तो डिफरेंट डिज़ाइन में बनाती हूँ। तो मैंने हर डिज़ाइन की दो दो चॉकलेट्स रेडी कर ली थी। तो अभी मैं इसको आपको बताऊँगी कि कैसे आपको फ्रिज में रखना है, कितने टाइम तक रखना है,
तो वो हैप्पी बर्थडे वाली बार चॉकलेट को, वो थिन होती है बहुत, तो उसको 15 मिनट्स ही रखना है आपको। लाइक अभी टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए 15 मिनट्स रखना है, अदरवाइज़ टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, 30 के अंदर हो, तो आप 10 मिनट्स में आपकी चॉकलेट सेट हो जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा आपकी चॉकलेट है वो फिंगर से या नाइफ से या स्पैचुला से आप हटा सकते हैं जल्दी जल्दी, बाद में फिर चॉकलेट अच्छे से निकलती नहीं। तो जब चॉकलेट मेल्टेड होती है तभी आपको क्लीन करते जाना है मोल्ड्स को, तो वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने मोल्ड्स को कैसे क्लीन करना है वो भी वीडियो डाला हुआ है, गर्म पानी से आप क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट शेप्स की मैंने चॉकलेट बना ली है और उसको फ्रिज में इसको हार्डली 10-12 मिनट हमें सेट करना है, मैक्सिमम 15 मिनट्स। अगर आप 15 मिनट्स से ज़्यादा रखते हैं तो मैं आपको वो डिफरेंस दिखाऊंगी। तो मैं आपके लिए एक चॉकलेट को ज़्यादा देर तक रख के आपको दिखाऊंगी कि उसमें डिफरेंस क्या होता है, और जल्दी निकालना है तो भी डिफरेंस क्या होता है। जल्दी अगर आपने निकाल दिया तो आपकी चॉकलेट सेट नहीं हुई है, आपने जल्दी निकाल दिया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको सेटिंग टेम्परेचर आपको खुद मेज़र करना पड़ेगा। लाइक आप चॉकलेट्स बनाइए एक एक दो दो पीस, उसको आप 10 मिनट रख के देखिए, 15 मिनट रख के देखिए, कितनी देर में आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट हो रही है वो आपको खुद टेस्ट करना होगा। क्योंकि हर फ्रिज का टेम्परेचर अलग टाइप का होता है, कोई फ्रिज जल्दी ठंडा कर देता है, कोई थोड़ा टाइम लगाता है, और वेदर के हिसाब से भी आपके एरिया में डिपेंड करता है कि आपके एरिया में टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है, उसके हिसाब से भी चॉकलेट सेट होने में उतने टाइम लेती है। तो आपको ये खुद एक एक चॉकलेट बना के आप डिफरेंट, जब भी टेम्परेचर थोड़ा चेंजेस हो रहा है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप बल्क में चॉकलेट बनाइए। तो अगर आपका चॉकलेट 10-12 मिनट में सेट हो रहा है तो आप हमेशा 12 मिनट में चॉकलेट्स निकाल सकते हैं, तो आपके चॉकलेट्स परफेक्ट बनेंगे, कोई स्वेटिंग नहीं आएगी उसमें। और आपकी चॉकलेट 15 मिनट में अच्छे से सेट हो रही है, एकदम क्लीन निकल रही है मोल्ड से बाहर, तो आप 15 मिनट तक चॉकलेट को सेट करिए। लाइक टेम्परेचर चेंज होता रहता है, अगर टेम्परेचर ठंडा हो रहा है तो भी आपको टेस्ट करके देखना है। वैसे ठंडे टेम्परेचर में उतना इशू नहीं आता, 2-4 मिनट ऊपर नीचे, मतलब ज़्यादा भी हो जाए तो उतना इशू नहीं आता, लेकिन गर्मियों में या फिर आप ज़्यादा देर रख दे रहे हो तो जल्दी स्वेटिंग प्रॉब्लम आ जाती है। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो कॉस्टिंग लाइक मेरा मिल्क कंपाउंड मेरी एरिया में मुझे 150 रुपीज़ का मिला था, और मैं यहाँ पे 200 ग्राम चॉकलेट मैंने मेल्ट किया था, बिकॉज़ मुझे हैप्पी बर्थडे वाला भी बनाना था, वो अराउंड 60-70 ग्राम का था, और ये चॉकलेट्स मुझे अराउंड 100-120 ग्राम बनाने थे। तो अराउंड 200 ग्राम मैंने चॉकलेट मेल्ट किया था, तो अराउंड 200 या 250 ग्राम चॉकलेट होगी, तो वो कॉस्ट हो गई चॉकलेट की। लाइक 500 ग्राम का कंपाउंड मुझे 150 रुपीज़ में मिला था, तो उसका हाफ कॉस्ट मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, तो अराउंड 70 या 75 रुपीज़ की चॉकलेट मैंने बनाई थी। तो ये मेरी हैप्पी बर्थडे वाली सेट हो गई है चॉकलेट, ये मैंने 15 मिनट में निकाली है, लेकिन ये फिर भी अच्छे से निकल नहीं रही है, तो मैंने उसको 2-3 मिनट और रख दिया फ्रिज में, उसके बाद मैंने निकाली है, फिर भी ये अच्छे से नहीं निकली। तो कभी कभी ये इशू आता है, मैंने जानबूझ के निकाला है ताकि मैं आपको दिखाऊं। मैं थोड़ी देर और चॉकलेट को रखने वाली थी बट मुझे ये इशू आप लोगों को दिखाना था। कभी कभी होता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे शेयर करते हैं उनकी चॉकलेट अच्छे से क्लीन नहीं निकली है, तो क्या करें। तो इस तरीके से गोल्डन डस्ट आता है, तो ये लस्टर डस्ट होता है, तो लेटर वाली चॉकलेट में ये लगाना भी पड़ता है थोड़ा, ताकि लेटर्स विजिबल हो, अच्छे से दिखे कि क्या लेटर्स लिखा हुआ है चॉकलेट में। और वैसे आप लगाएंगे नहीं तो चॉकलेट अच्छे से दिखेगी नहीं आपकी, या फिर आपको लेटर्स को दूसरे कलर से बनाना होगा तभी वो विजिबल होते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन डस्ट लग गया है यहाँ पे, तो फिर मैं उसको स्प्रेड कर दे रही हूँ अच्छे से, और अब ये लग गया है तो निकलेगा नहीं, तो आपको आराम से थोड़ा थोड़ा सा लेके लगाना है। तो आप देख सकते हो अब लेटर्स और इसमें जो भी डिज़ाइन है वो अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। तो ये कलर की वजह से यहाँ पे ज़्यादा शाइनी दिख रहा होगा, ज़्यादा ओवर लग रहा होगा, बट नॉर्मली देखने में उतना ओवर नहीं लग रहा था। तो लाइक कैमरा में लाइट्स ऑन होती है तो थोड़े से वो ज़्यादा लाइट की वजह से ज़्यादा शाइनी या ज़्यादा गोल्डन आपको दिख रहा होगा, तो उतने गोल्डन नहीं है, नॉर्मल है ये। और ये थोड़ा सा गोल्डन डस्ट आपको फिर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आपको हल्का हल्का लगाना है, तो बस लेटर्स के ऊपर भी आप लगा सकते हो हल्के हल्के, जहाँ पे डिज़ाइन है चारों तरफ से ऐसे डिज़ाइन की तरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने पूरी चॉकलेट में इसलिए लगाई क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरी चॉकलेट क्लीन नहीं निकली थी, और थोड़ी सी हल्की हल्की सी मोल्ड में ही लगी रह गई थी चॉकलेट, अच्छे से मेरी क्लीन निकली नहीं थी, मोल्ड भी क्लीन नहीं था, चॉकलेट भी क्लीन नहीं था, तो इसलिए मैंने गोल्डन डस्ट लगा दिया। आपको ये बोल सकता है कि मेरी चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं हुई थी, अच्छे से क्लीन नहीं निकली थी बाहर, आपको देखने में लग रहा होगा। और पीछे के जो लेटर्स हैं उस पर भी मैं हल्का हल्का गोल्डन डस्ट लगा दूंगी, फिर आप देखोगे कि ये जो लेटर्स हैं वो अच्छे से विजिबल हो रहे हैं आपको। अब आप देख सकते हो लेटर्स अच्छे से आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप हल्का हल्का जो फ्लावर्स हैं उन पर भी लगा सकते हो, या फिर आपको ओवर नहीं करना है तो सिर्फ आप हल्का हल्का लेटर्स के ऊपर लगा सकते हैं।
तो आप लेटर्स भी आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे और चॉकलेट का लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चॉकलेट पैक करते वक्त चॉकलेट ठंडी होनी चाहिए, तो इमीडिएटली चॉकलेट को पैक कर देना है। मुझे कुछ काम आ गया था, मैंने चॉकलेट को थोड़ी देर बाद पैक किया था तो वो चॉकलेट टूट गया था। तो एक्चुअली टेम्परेचर भी हाई चल रहा है तो चॉकलेट सॉफ्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, पैक करते करते वो टूट गई थी, तो मैंने फिर से चॉकलेट को बनाई। तो दूसरी बार में जब चॉकलेट मैंने बनाई उसको मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा तो चॉकलेट अच्छे से क्लीन बाहर निकली थी, लेकिन बैक साइड का जो लेटर्स वगैरह था मैंने वही यूज़ किया था धीरे धीरे से निकाल के, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो ऐसे तरीके से चॉकलेट अभी आपकी कभी क्लीन ना निकले तो आप उसको हल्का सा ऊपर से गोल्डन डस्ट कर देना, तो पता नहीं चलेगा कि आपकी चॉकलेट क्लीन नहीं निकली है। तो ये इशू होता है कि अगर टाइम पे आप ना निकालें तो आपको चॉकलेट अपना देखना है, टाइम देखना है। लाइक टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको 15 से 20 मिनट तक सेट करना है, बाहर चॉकलेट है तो आप 20 मिनट्स के लिए सेट कर सकते हैं, और स्मॉल चॉकलेट्स हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए। और विंडोज में 10 मिनट में सेट हो जाती है चॉकलेट, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, सारे चॉकलेट 10 मिनट में सेट हो जाती है। तो अभी समर सीज़न में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और स्वेटिंग की भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखो चॉकलेट हमारी रेडी हो गई है, ब्यूटीफुल सी गोल्डन होल्डल हैप्पी बर्थडे चॉकलेट, कस्टमाइज नेम वाली हैप्पी बर्थडे चॉकलेट। तो ये इजीली मैंने बताया, जैसे कि कॉस्टिंग में बीच में बता रही थी फिर मैंने चॉकलेट के बारे में बताने लगी, तो लाइक 70 रुपीज़ में मेरी ये बार चॉकलेट भी बन गई थी, और अराउंड 100 ग्राम से भी ज़्यादा, अराउंड 140 ग्राम की स्मॉल चॉकलेट्स बन गई थी। तो आप देख सकते हो 70 रुपीज़ की चॉकलेट में मैंने इतने सारे चॉकलेट बनाए हैं, और ये बार चॉकलेट का ही प्राइस मैंने अराउंड आप 100 to 120 rupees तक सेल कर सकते हैं, प्लस आप अपना जो भी बार बॉक्स यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग ऐड करके। तो ग्राम्स में मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कितने ग्राम है। अभी देखो स्मॉल चॉकलेट्स भी मेरी अच्छे से नहीं निकल रही है, बिकॉज़ मैंने थोड़े से जल्दी निकाल दिए थे इनको बाहर, क्योंकि लेट हो रहा था मुझे, फिर मैंने जल्दी जल्दी को इनको निकाल दिए थे, तो ये भी हल्के से वाइट वाइट से रह जा रहे हैं, बट इतने प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी थोड़ा सा टेम्परेचर में रहेंगे बाहर तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। और लेकिन फिर ज़्यादा देर तक भी हम फ्रिज में नहीं रख सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया था। अब मैं आपको एक चॉकलेट ज़्यादा देर तक रख के दिखाऊंगी, फिर उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको दिखाऊंगी। तो ये चॉकलेट ऑलमोस्ट क्लीन ही निकले हैं, बस किसी किसी में हल्के से वाइट धब्बे रह गए हैं, तो वो अभी नॉर्मल टेम्परेचर में रह के वो नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब हल्के से मेल्ट होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएंगे। ये आपके चॉकलेट्स नहीं नॉर्मल हो रहे हैं, वो वाइट वाइट से धब्बे अलग से नज़र आ रहे हैं, तो आप उसमें सेम मैंने जो आपको बताया आप गोल्डन डस्ट या सिल्वर डस्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो देखने में अच्छे लगने लगेंगे। तो मेरे सारे स्मॉल चॉकलेट्स रेडी हैं, मैं इनको पैक कर लूँगी फॉइल में। आप देख सकते हो चॉकलेट्स शाइनी बने हैं, बस एक दो में धब्बे से हल्के हल्के वाइट वाइट से। तो चलो अब चॉकलेट को वेट करके देखने हैं। तो ये मेरे हैप्पी बर्थडे बार वाली चॉकलेट टूट गई, मैं आपको दिखाने जा रही थी कि उसका वेट और वह टूट गई, तो मैंने उसको रिपेयर के लिए डाल दिया है। मैंने फिर से मैंने चॉकलेट बनाया और फिर मैं बाद में आपको वेट करके दिखाऊंगी, तो तब तक स्मॉल चॉकलेट्स को वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल चॉकलेट्स है, मैंने एक टिश्यू पेपर रख दिया ऊपर से, जो भी बेकिंग पेपर है टिश्यू पेपर कोई भी क्लीन पेपर आपको रखना है, बिकॉज़ आपका वेट मशीन वेइंग स्केल साफ़ है नहीं है साफ़ है, अगर आप या तो उसको क्लीन कर लेना है या फिर उसके ऊपर कोई पेपर रख के आपको दिखना है। तो देख सकते हो पेपर अराउंड 4 ग्राम का दिखा रहा था, और ये चॉकलेट्स मेरे सारे 120 मुझे 100 ग्राम चॉकलेट लेनी है, बिकॉज़ मुझे एक स्मॉल बॉक्स रेडी करना था, तो क्लाइंट को 100 रुपीज़ का चाहिए था, तो मैंने अराउंड 90 रुपीज़ का 100 ग्राम चॉकलेट उन्हें दिया था, और 10 रुपीज़ मैंने बॉक्स का ऐड कर लिया था। तो पेपर का वेट निकाल देंगे तो अराउंड 100 ग्राम चॉकलेट हो गई है ये, और मेरे 3-4 चॉकलेट बचे हुए हैं, तो टोटल अराउंड 140 ग्राम चॉकलेट बन गए थे मेरे। तो इन स्मॉल चॉकलेट्स का मैंने 100 रुपीज़ चार्ज किया था। तो मैंने कुछ बड़े वाले चॉकलेट्स को निकाल के छोटे डाल दिए, तो पेपर का वेट लेके अराउंड 104 ग्राम चॉकलेट्स ये हो गई हैं। तो ये मेरी नेबर है और हमेशा मुझे ऑर्डर देती रहती, रेगुलर कस्टमर है मेरी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमेशा दे देती हूँ, और इसकी कॉस्ट भी मैं रीज़नेबल लगाती हूँ। लाइक आप अपने क्लाइंट के हिसाब से कॉस्ट थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चॉकलेट्स को शिफ्ट करके थोड़ा सा इधर उधर करके वापस आपको वेट 2-3 बार चेक करना है, बिकॉज़ कभी कभी वेइंग स्केल वेट गलत भी बता देते हैं। तो इस तरीके का स्मॉल बॉक्स ले लिया है मैंने, उसमें मल्टी कलर्ड ग्रास डाल दिया है, सिर्फ कटे हुए
पेपर की ग्लासेस मिलते हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बिकॉज़ बॉक्स बड़ा है और चॉकलेट डालने पे वो छोटे लगेंगे, इसलिए मैंने उसको एक्चुअली क्लाइंट को विंडो वाले बॉक्स ही चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट्स डाल दी हैं और थोड़ा सा मल्टी कलर्ड ग्रास डाल दिया था। तो इस बॉक्स का मैंने क्लाइंट को 100 रुपीज़ चार्ज किया था और चॉकलेट्स हमारे अराउंड 20-30 रुपीज़ के बन गए होंगे ये वाले, तो टोटल मैंने 70 रुपीज़ की चॉकलेट का बार चॉकलेट भी बनाया था और ये भी बनाया था। तो हमारा बार चॉकलेट है अराउंड 60-70 ग्राम का और हमारे ये चॉकलेट्स हैं अराउंड 100 ग्राम के। तो बार ये चॉकलेट्स थोड़े जल्दी बन जाते हैं, हमें इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ा, फटाफट से रैप कर दिया 5-10 मिनट में, और बार चॉकलेट है हमारी तो मैंने इसको पहले पॉली रैप में डाल दिया है, उसके बाद इसको वेट करेंगे, तो पॉली रैप में डालने के बाद ये सेफ हो जाएगी, थोड़ी सी मॉइस्चर नहीं आएगा इसमें। तो आपको इस तरीके से बार चॉकलेट्स के लिए पॉली रैप मिलते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ एडहेसिव वाले, तो आप इसको चिपका सकते हैं, चाहे हैप्पी बर्थडे साइड आप ऊपर रख सकते हैं चाहे कस्टमाइज नेम ऊपर रख सकते हैं, दोनों भी बेटर है। तो आप ये देख सकते हो चॉकलेट चेंज हो चुकी है, इसमें गोल्डन थोड़ा आपको कम लग रहा होगा, पहले वाले चॉकलेट में गोल्डन गोल्डन ज़्यादा लग रहा था, उसमें गोल्डन डस्ट ज़्यादा लग गया था, तो इसमें मैंने हल्का ही लगाया है। तो मैंने फिर से चॉकलेट को बनाई थी, वाली चॉकलेट टूट गई थी मेल्ट पैक करते वक्त, तो आपको ध्यान रखना है कि पैक करते वक्त चॉकलेट आपकी हल्की सी ठंडी हो या फिर जब आपने फ्रिज से निकाली उसी टाइम आपको पैक कर देना है। तो इस चॉकलेट का वेट अराउंड 66 ग्राम आ रहा है, 66-67 ग्राम, तो आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके यहाँ वहाँ करके भी आपको चेक करना है, तो ऑलमोस्ट 66 ग्राम ही आ रही है चॉकलेट की वेट, 1 ग्राम पॉली रैप का ले रहा होगा, फिर भी हम 66 ग्राम, तो फिर भी चलो 70 ग्राम की चॉकलेट होगी हमारी, और मैंने 70 रुपीज़ में दोनों भी चार्ज किए थे, तो दोनों भी चॉकलेट बनाए थे, तो अराउंड 35 रुपीज़ की मेरी 30 रुपीज़ की ये चॉकलेट बनी होगी और 40 रुपीज़ की स्मॉल चॉकलेट्स, तो 30 रुपीज़ की चॉकलेट का मैंने 25-30 रुपीज़ की चॉकलेट ये बनी होगी। तो मैंने इसका क्योंकि इसमें मैंने वाइट चॉकलेट के लेटर्स भी बनाए हैं और फ्लावर्स वगैरह भी लगाए हैं वो भी वाइट चॉकलेट के थे, तो अराउंड 30 रुपीज़ का आप चॉकलेट इसको काउंट कर सकते हो, 30 या 35 रुपीज़ का। तो इस तरीके का हैप्पी बर्थडे बार बॉक्स आता है, उसमें मैंने इसको पैक कर दिया है। आपको भी अगर बार बॉक्स कहाँ से परचेस करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज बर्थडे चॉकलेट का आप आराम से 100-120 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं, और वो मेरे स्मॉल बॉक्स ऑफ चॉकलेट था जो मैंने वो बॉक्स चेंज कर दिया था, बिकॉज उस बॉक्स में वो बॉक्स बड़े लग रहे थे और चॉकलेट छोटे लग रहे थे। तो आप देख सकते हो ये चॉकलेट को मैंने पूरा पैक करने के बाद इसको बाहर निकाला, अराउंड 25-30 मिनट से ज़्यादा ये चॉकलेट फ्रिज में थी, तो आप देख सकते हो इसमें स्वेटिंग आ गई होगी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो इस चॉकलेट के ऊपर साफ साफ आपको पानी पानी सा दिख रहा है, स्वेटिंग दिख रही है, तो यही डिफरेंस है, अगर आप चॉकलेट को फ्रिज में ज़्यादा देर रख देंगे तो ऐसी ही स्वेटिंग आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि चॉकलेट आपको कितने टाइम में बाहर निकालना है, तो ये आपको खुद सेट करना होगा कि आपकी चॉकलेट कितने देर में सेट हो रही है, उतने देर में आपको बाहर निकाल देना है। अगर आप थोड़ी सी भी देर ज़्यादा देर रख देंगे तो चॉकलेट में इस तरीके से स्वेटिंग आ जाएगी। तो इस स्वेटिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है, बस यही सोल्यूशन है कि आपको टाइम पे चॉकलेट्स को फ्रिज से बाहर निकालना है, बिकॉज फ्रिज में ज़्यादा देर रहने से वो मॉइस्चर आ जाता है उसके ऊपर और स्वेटिंग आने लगती है, और इस रेनी सीजन में थोड़ी स्वेटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जब वेदर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉस्टिंग भी मैंने आपको बता दी, स्वेटिंग प्रॉब्लम भी आपको मैंने बता दी। तो 70 रुपीज़ की चॉकलेट्स हमने यूज़ करी थी, बनाई थी, और अराउंड मैंने उसको 220 रुपीज़ का सेल किया, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो हो सकता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।